हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कांता अपने घर में अपनी बेटी के साथ बैठकर टीवी देख रही थी कि तभी टीवी पर एक नमक का एड आता है जिसमें बच्चा कहता है, अरे वाह माँ, आज तो खाना बहुत ही अच्छा बना है। क्योंकि मैंने इसमें पुष्पा नमक डाला है। जी हाँ, आयोडीन पुष्पा नमक आपके खाने का स्वाद बनाए रखे और आपकी फैमिली को भी सुरक्षित रखे, तो देर ना करे, जल्दी से पुष्पा नमक खरीदें। इस एड को देखकर कांता अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटा सुधीर, देख तो लड़की कितनी गोरी और सुंदर है, बिल्कुल सफेद नमक की तरह। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू भी बिल्कुल ऐसी ही हो, कितनी प्यारी है ये। अरे माँ, इस जैसी को क्यों, आप इसे ही अपनी बहू क्यों नहीं बना लेती? हाँ वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, ये लड़की मेरे घर की बहू बने, इससे अच्छा आइडिया और क्या ही होगा। अरे माँ, आप भी ना कुछ भी कहती हैं, ये एक एड वाली लड़की है, इसे तो मुझसे भी अच्छा लड़का मिलेगा, और भला ये मुझसे शादी करेगी भी तो क्यों? अरे तो तुझ में कौन से कोई कमी है, कितना तो स्मार्ट है मेरा बेटा। माँ, आप यहाँ बैठकर इसे अपनी बहू बनाने के सपने देखती रहो, मैं जा रहा हूँ काम पर। इतना कहकर अब सुधीर अपने काम के लिए निकल जाता है। और यहाँ सुधीर की माँ ने ठान लिया था कि अब वो नीलम को ही अपनी बहू के रूप में देखना चाहती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। यहाँ कांता नीलम को अपनी बहू बनाने की सोच रही थी, वहीं दूसरी ओर नीलम की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे बीपी की दिक्कत है, जिससे कि उसे बहुत कमजोरी होती थी, कि तभी उसे डॉक्टर कम नमक खाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर के पास से आकर नीलम खुद से कहती है, डॉक्टर ने कहा था कि अगर मैं नमक कम खाऊंगी तो मैं ठीक रहूंगी, तो अगर मैं नमक बिल्कुल ही खाना छोड़ दूं, यानी मुझे तो फिर कोई डर ही नहीं है बीपी का, मैं तो बिल्कुल ही ठीक हो जाऊंगी। हाँ ये सही रहेगा मेरे लिए और मेरी फिटनेस के लिए भी, तो आज से नमक बंद। उस दिन से नीलम नमक ना खाने की ठान लेती है। ऐसे ही दूसरी ओर कांता नीलम के घर परिवार के बारे में जानकारी निकलवाती है और वो उसके घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाती है, जहां नीलम की माँ को सुधीर पसंद आता है क्योंकि वो भी एक अमीर परिवार से था, तो नीलम की माँ शादी के लिए मना नहीं करती और नीलम को भी सुधीर पसंद आ जाता है और दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। उनकी मंगनी वाले दिन सुधीर अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, आप भी ना अपनी जिद को पूरा करके ही मानती है, आखिरकार आपने मेरे लिए वो नमक वाली लड़की पसंद कर ही ली। तो क्या हुआ बेटा, होने वाली बहू में कोई कमी थोड़ी ना देखते हैं, दिखने में कितनी सुंदर है, और तुझे पता है अभी ये एड वाले काम छोड़ रही है, शादी के बाद ही घर में रहकर मेरी सेवा ही किया करेगी, और क्या चाहिए तुझे? माँ मुझे क्या चाहिए, आपकी मर्जी ही तो चल रही है, बस बस अब शादी करनी बाकी है, उसके बाद तो मैं सब कुछ कर ही लूंगा। मेरा मतलब जिम्मेदार बन जाऊंगा। समय का पहिया थोड़ा और घूमता है, जिसके बाद सुधीर और नीलम की शादी हो जाती है। शादी की अगली सुबह कांता की बहू की मुंह दिखाई और पहली रसोई थी। इस रसम को और अपनी सुंदर बहू को लोगों को दिखाने के लिए कांता अपने मोहल्ले की सभी औरतों को बुलाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू आज तू इस घर में पहली बार आई है तो। बस माँ जी, मैं जानती हूँ आगे आप क्या कहना चाहती हैं। आज मुझे ससुराल में पहली रसोई की रस्म निभानी है, ताकि आपके आसपास की सभी नकचड़ी पड़ोसनों को आप जला सकें और उन्हें ये बता सकें कि आपकी बहू एक जाना माना नाम है। तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, आप बस मेरी तारीफें कीजिए। अरे वाह, मैंने जितना सोचा था मेरी बहू तो उससे कई ज्यादा सुंदर और समझदार है। बहू अभी मैं जाती हूँ बाहर तेरी तारीफों के पुल बांधने। इतना कहकर अब कांता वहाँ से चली जाती है और यहाँ नीलम सबके लिए खाना बनाती है और वो सबके लिए बिना नमक का खाना बना देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ फिर से कांता आती है और नीलम से कहती है, बहू सब तैयार हुआ या नहीं, बाहर सब मेहमान आ गए हैं। हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब तैयार हो गया है, आप बस चलो मैं लेकर आती हूँ खाना। हाँ बहू, मुझे पता है तूने जो भी बनाया होगा अपनी तरह अच्छा ही बनाया होगा, अब जल्दी से बाहर सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर अब कांता नीलम को अपने साथ लेकर बाहर जाती है, जिसे देखकर सभी औरतें देखती रह जाती हैं। और कांता से विमला कहती है, अरे कांता बहन, ये तो वही लड़की है ना जो टीवी के एड में आती है, वो कौन सा एड था, पुष्पा आयोडीन वाला है ना? हाँ विमला, सही कहा तुमने, मेरी बहू पुष्पा आयोडीन नमक का एड कर चुकी है
और मैंने भी इसे पहली बार उस एड में ही देखा था, तो ठान लिया था अगर मेरी बहू कोई बनेगी तो पुष्पा आयोडीन नमक वाली नीलम ही। और देखो मैंने अपने बेटे की शादी इसी से करवा दी। अरे वाह कांता, तुमने तो सच में अपनी बात सच कर दी। और बहू तुम्हें पता है, तुमने जब से वो नमक का ऐड किया है तब से हम भी वही नमक खाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी जी, कम से कम मेरी वजह से पुष्पा नमक का फायदा तो हो रहा है। चलो चलो अब आप सबने मेरी बहू को देख लिया है ना, अब जरा मेरी बहू के हाथों का खाना भी दो चख लो। हाँ बहन जी, देरी किस बात की। अब कांता की बहू नीलम सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लेकर आती है और सभी खाना खाना शुरू करते हैं। लेकिन खाने में नमक कम था, जिस वजह से विमला कहती है, ये क्या है कांता बहन जी, इस खाने में तो बिल्कुल भी नमक नहीं है, कोई स्वाद ही नहीं है इस खाने में। क्या कहा, खाने में नमक नहीं है? अरे थोड़ा बहुत कम हो गया होगा, लेकिन खाने में नमक ही ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हें लगता है मैं झूठ कह रही हूँ? अरे खुद खाकर देख लो फिर बताओ। विमला की बात सुनकर कांता खाने का एक निवाला खाती है और कहती है, अरे बहू सब्जी में तो सच में नमक नहीं है, तू ना खाना बनाते समय चखा नहीं था क्या ठीक से? नहीं माँ जी, वो क्या है ना मैं नमक नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं भूल गई खाने में नमक डालना। अरे कांता ये क्या, तुम्हारी बहू तो नमक का ऐड करती है, वो खुद ही नमक नहीं खाती, ये तो किसी मजाक से कम नहीं है। लेकिन बहू तो नमक क्यों नहीं खाती, कोई दिक्कत है क्या? अगर माँ जी को मैंने अपनी दिक्कत बता दी तो उनकी सब पड़ोसनी जो मुझे पसंद करती हैं वो उनका मजाक बनाएंगी और मेरा भी, इससे अच्छा है कि चुप ही रहूं। कुछ नहीं माँ जी, वो मुझे बचपन से ही नमक पसंद नहीं है इसलिए मैं नमक नहीं खाती। माफ करना मैंने सबके मुँह का स्वाद खराब कर दिया, अभी मैं सबके लिए नमक लेकर आती हूँ। अजीब बात है, आज तक मैंने कम ज्यादा नमक खाने वाले देखे थे, लेकिन कांता बहन पहली बार आपकी नमक ना खाने वाली बहू को देखकर जान गई, दुनिया में नमक ना खाने वाले भी हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और लगभग एक महीने तक नमक ना खाने के चलते नीलम बीमार हो जाती है और एक दिन वो काम करती करती अचानक बेहोश हो जाती है। उसकी सास जब उसके गिरने की आवाज़ सुनकर किचन में जाती है तो नीलम को बेहोश पाकर जल्दी से डॉक्टर को घर बुलाती है और डॉक्टर कहता है, मुझको लगता है आपको इनके कुछ टेस्ट करवाने चाहिए, तभी पता चलेगा इन्हें हुआ क्या है। अच्छा ठीक है डॉक्टर जी, कल ही अपनी बहू के टेस्ट करवाने के लिए ले आऊंगी। ठीक है, जैसे ही सब रिपोर्ट आ जाती है मुझे जरूर बताना, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन कांता अपनी बहू को डॉक्टर के कहने पर ब्लड टेस्ट करवाने के लिए ले जाती है। उसके अगले दिन जब रिपोर्ट लेकर डॉक्टर को दिखाने वो लोग जाते हैं तो डॉक्टर बताता है, आपकी बहू के बॉडी में सोडियम यानी कि नमक की कमी हो गई है, शायद ये नमक नहीं खाती है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति नमक का सेवन नहीं करता है तो सोडियम की कमी होने के कारण वो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर दिमाग पे ही पड़ता है, क्योंकि दिमाग में सूजन होने से याददाश्त की कमी हो जाती है और दिमाग में कई बातों को लेकर उलझन पैदा हो जाती है। व्यक्ति के बॉडी में सोडियम की कमी के कारण उसका दिमाग कमजोर होने लगता है, हमेशा सर में दर्द रहता है। इसीलिए आप अपनी बहू को कहिए भले ही नमक कम खाएं लेकिन जरूर खाएं। डॉक्टर की बात मानकर अब कांता नीलम को सही से पूरी बात समझाती है और उस दिन के बाद से नीलम भी नमक का सेवन करना शुरू कर देती है। गोपी को पकोड़े खाने का बहुत शौक था, उसे पकोड़े बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन गोपी अपनी माँ सुधा के साथ बैठकर टीवी देख रही थी, तभी वो अपनी माँ से कहती है, माँ आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ मौसम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन मौसम का क्या भरोसा, अभी इतना अच्छा हो रहा है थोड़ी ही देर में धूप भी हो जाएगी। क्या माँ अभी ऐसे मत बोलो, इतना बढ़िया मौसम है, मैं तो जा रही हूँ पकौड़े बनाने, आराम से बैठकर मौसम के मजे लेते हुए खाएंगे। हाँ महारानी को पकौड़े ही पसंद है तो पकौड़े ही बनाइयो, ये नहीं अपनी माँ के लिए चाय बना दे, कुछ बिगड़ जाएगा क्या तेरा चाय बनाने में। नहीं माँ मैं तो आपके लिए चाय बनाने ही वाली थी, गुस्सा क्यों कर रही हो। इतना बोलकर गोपी वहाँ से चाय पकौड़े बनाने चली जाती है और थोड़ी देर में अपनी और सुधा के लिए गर्मा गर्म चाय पकौड़े लाती है और बारिश में चाय पकौड़े खाते हुए दोनों मजे लेते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता है, जब भी बारिश होती तो गोपी पकौड़े बना लिया करती और उसकी माँ भी कभी उसे पकौड़े बनाने से मना नहीं करती। कुछ दिनों बाद गोपी के लिए बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आता है और दोनों घर वाले आपस में बातचीत करके शादी तय कर देते हैं। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद गोपी अपने घर को अच्छे से संभालती है
कुछ दिनों बाद गोपी के सास कोकिला गोपी से कहती है, गोपी बहू घर में मेहमान आने वाले हैं, तो एक काम कर प्याज के और आलू के पकोड़े बना दे। माँ जी घर में मेहमान ही तो आ रहे हैं, कोई बारिश तो नहीं ना जो उनके लिए पकोड़े बनाए। पकोड़े तो बस बारिश के मौसम में ही स्वाद देते हैं। हाँ तो अगर बारिश नहीं होगी तो क्या कभी तो घर में पकोड़े ही नहीं बनाएगी। माँ जी आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी ना, बारिश के बिना पकोड़े अधूरे हैं और बिना पकोड़ों के बारिश अधूरी है। ये कौन सी कहावत है, ये ना सुनने में कहावत लग रही है और ना ही कोई शायरी, मैंने तो कभी सुनी नहीं। मैंने ही तो अभी आपके सामने बनाई है, क्यों कैसी लगी? बढ़िया ना, बिल्कुल पकोड़े और बारिश की जोड़ी की तरह। अरे चुप कर, यहाँ खड़ी खड़ी गप्पे ही मारती रहेगी, मेहमानों के लिए कुछ बनाएगी या फिर अपनी बकवास शायरी और कहावतों से ही उनको भगाने का प्लान है। क्या माँ जी आप भी ना, मैं कहावत बोल रही हूँ तो आप क्या मस्त जोक मार रही हो, मजा ही आ गया। अरे करमजली ये कोई जोक नहीं है, मेहमान आने ही वाले होंगे, जो उनके लिए कुछ बना दे। अब यहाँ खड़ी खड़ी कुछ भी बोल मत, जा सीधा किचन में और कुछ बना दे। कोकिला की बात सुनकर गोपी किचन में चली जाती है और सबके लिए बस चाय, नमकीन और बिस्किट ही लाती है। जब मेहमान आकर चले जाते हैं तो गोपी का पति मोहित और कोकिला बोलते हैं, अरे नासपिटी तुझे अकल नहीं है, मेहमान आए थे तो बस चाय नमकीन रख दी उनके सामने, तुझे बोला था चाय पकौड़े बनाने के लिए। माँ जी आपको बोला तो था मैंने, चाय पकौड़े विद बारिश ही मजा आता है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। अरे तो मेहमान आए हैं उनके लिए तो बना सकती थी ना, अब क्या मेहमानों को पकौड़े खाने हो तो बारिश को भी अपने साथ लाएं। अब आपको पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूं, लेकिन ये तो सच ही है ना कि बिना बारिश के तो मैं पकौड़े बनाती नहीं, बारिश आने दो फिर बोलना पकौड़े चाहिए। गोपी इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू होता है और एक दिन बहुत जोरों की बारिश होती है। तब गोपी कोकिला के पास जाकर कहती है, क्यों माँ जी क्या बोलती हो, मौसम भी है और दस्तूर भी, बेसन घोल दूं? क्या मतलब? समझती ही नहीं हो आप, मेरा मतलब है आज आपकी और मेरी तो इच्छा पूरी होगी पकौड़े बनाने की, आप यहीं रुकिए, मैं अभी छत से पकौड़े बना कर लाती हूँ। चलो भला हो बारिश का, हमें पकौड़े तो नसीब में होंगे, वरना तेरी वजह से तो पकौड़े ही भूल जाते हम। ऐसे कैसे माँ जी, मैं तो आपको पकौड़े का ऐसा मजा दिलाऊंगी कि आप पूरी बारिश के मौसम में पकौड़े ही मांगोगी। हाँ पहले अभी तो खिला दे। गोपी किचन में पकौड़े बनाने चली जाती है और वो घर में जितनी भी सब्जियां पड़ी थी, आलू टमाटर प्याज मटर, सब के पकौड़े बना देती है और ले जाकर अपनी सास और पति के पास रख देती है, जिस पर मोहित पकौड़े देख कर कहता है, चलो फाइनली तुम्हारे पकोड़े और बारिश आ ही गई, मुझे तो लगा पकोड़ों की शक्ल देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। मेरे तो मन पसंद है तो ऐसे कैसे नहीं मिलते, लो बना दिए अब खाओ और बारिश के साथ पकोड़ों का मजा लो। लेकिन ये क्या है, तूने घर की सभी सब्जियों के पकोड़े बना दिए क्या? टमाटर मटर पत्ता गोभी, इनके भी कोई पकोड़े खाते है क्या भला? माँ जी मेरा मानना तो यही है कि बारिश होती है जब तक, तो बारिश में बैठकर पकोड़े के मजे लो, ये नहीं कि किचन में बैठकर पकोड़े ही बनाते रहो, इसलिए मैंने सभी सब्जियों के पकोड़े बना दिए। ऐसे ही चलता रहता है, जब भी बारिश होती तो गोपी सभी सब्जियों के पकोड़े बना देती। ऐसे ही एक दिन बारिश का मौसम बन रहा था और गोपी ने पकोड़े बना दिए, तभी कोकिला आकर कहती है, आज तूने फिर सारी सब्जियों का नाश मार दिया, कौन बोलता तुझे इतने सारे पकौड़े बनाने के लिए? बारिश का मौसम है तो बारिश में सूखा सूखा अच्छा थोड़ी लगेगा। अच्छा चल दे, बना ही दिया है तो थोड़ा खा लेती हूँ मैं भी। अरे नहीं माँ जी अभी रुकिए, बारिश तो होने दो, बारिश होगी तभी खाना। गोपी किसी को पकौड़े खाने नहीं देती जब तक बारिश ना हो जाए, और थोड़ी देर में मौसम बदल जाता है, धूप निकल आती है तो गोपी बोलती है, क्या है हटो, मौसम ने तो अपना रंग ही दिखा दिया। कोई नहीं बहू, मौसम चला गया तो क्या हुआ, पकोड़े तो है ना, चल बैठ कर पकोड़े ही खाते हैं। नहीं माँ जी, ये पकोड़े बारिश में आराम से मजे करते हुए खाने के लिए बनाए थे, अब बारिश ही नहीं हो रही तो पकोड़े का क्या मजा आएगा, छोड़ो अब फेंक देती हूँ मैं। इतना बोलकर गोपी सारे पकोड़े फेंक देती है और गोपी को ऐसे करता देखकर कोकिला मोहित से कहती है, बेटा ऐसे ही चलता रहा तो बहू तो सारी सब्जियों को ऐसे ही खराब करती रहेगी, और तुझे तो पता ही है सब्जियां कितनी महंगी आती है। हाँ माँ मैं भी वही सोच रहा हूँ कि गोपी का ये फितूर कैसे उतारे। मैं सारी सब्जियों को ही छुपा देती हूँ, ना रहेंगी सब्जियां और ना बनेंगे पकौड़े। इतना बोलकर कोकिला सारी सब्जियां छुपा देती है और फिर जब बारिश होने लगती है तो गोपी किचन में पकौड़े बनाने जाती है, लेकिन उसको एक भी सब्जी नहीं मिलती।
और उसे तो बारिश में पकौड़े खाने ही थे, तो वो जाकर केवल बेसन के पकौड़े बना लेती है और ले जाकर अपनी सास और मोहित के आगे रखती है। ये देखकर कोकिला कहती है, बहू घर में तो एक भी सब्जी नहीं थी, तो तूने किस चीज के पकौड़े बनाए? हाँ, और तुमने तो मुझे भी नहीं बोला था कि कोई सब्जी लानी है, तो पकौड़े कैसे बना दिए तुमने? आपको तो पता ही है मुझे बारिश में पकौड़े खाना कितना पसंद है, तो सब्जी हो चाहे ना हो, लेकिन मैं तो बारिश में पकौड़े जरूर खाऊंगी। आप लोग भी खाइए, मैंने बेसन के पकौड़े बनाए हैं। हे भगवान सत्यानाशो, ये बहू तो चार दिन की बारिश में पकौड़े वाली ही बन गई है। एक इंसान होता है कि एक दिन बना लिया, लेकिन ये तो रोज रोज लग गई है। कोकिला अगली बार बेसन भी छुपा देती है और फिर दोबारा बारिश होती है। गोपी किचन में जाती है, उसे बेसन न मिलने पर वो कहती है, अब बेसन कहाँ गया, यहीं तो रखा रहता था। कोई नहीं, मैं दुकान से जाकर वापस ले आती हूँ। गोपी भीगते हुए दुकान जाती है और बेसन लेकर आती है, लेकिन तब तक बारिश ही बंद हो जाती है। गोपी को ऐसे देखकर कोकिला कहती है, क्या हुआ बहू, भीग कैसे गई? वो माँ जी बेसन नहीं था तो बेसन लेने गई थी, लेकिन उसका भी क्या फायदा, बारिश तो बंद हो गई, अब तो पकौड़े का भी मजा नहीं आएगा। हाँ, बारिश में ही पकौड़े का मजा आता है। कोई बात नहीं, अगली बार बना लियो। ऐसे ही अगली बार जब बारिश होती है तो गोपी पकौड़े बना लेती है और उसे देखकर कोकिला कहती है, बेसन तो था नहीं तो तूने पकौड़े कैसे बनाए? माँ जी आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, उस दिन बारिश में भीगते हुए मैं पकौड़े के लिए बेसन लेने गई थी, लेकिन बारिश बंद हो गई तो मैंने पकौड़े कहाँ बनाए। कोकिला के लाख कोशिशों के बाद भी गोपी के बारिश में पकौड़े बनाने की आदत नहीं जाती और वो घर में कुछ भी ना होने पर भी जुगाड़ करके पकौड़े बना ही लेती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।